Hey guys, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाए ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। So guys, आपका भाई एक बार फिर आ गया आपके लिए एक नई वीडियो और एक लेटेस्ट एंड न्यू कंपनी लेकर, जहां पर आप ले सकते हैं इंस्टेंटली पूरे 2 लाख रुपए तक का लोन। अगर आप लेना चाहते हैं लोन तो वीडियो के बिल्कुल मत करना, केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड देकर आपको यहां पर ये लोन मिलने वाला है। कंप्लीट स्टेप आपको यहां पर बताने वाला हूं किस तरीके से आपने यहां पर लोन के लिए अप्लाई करना है और कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अगर आपने वीडियो स्किप कर दी तो आपकी समझ में नहीं आ पाएगा किस तरीके से आपने यहां पर लोन के लिए अप्लाई करना और किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं लोन तो जल्दी इस वीडियो को मेरे भाई लाइक कर देना, और अगर आप एक महीने में पहली बार ये वीडियो देखे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चले देखते हैं कौन सी कंपनी जहां पर आप ले सकते हैं 2 लाख रुपए तक का लोन। चले शुरू करते हैं। गाइज, अगर आज की वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो आप ले सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से पूरे 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन। अगर आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, आपको स्कूल फीस, कॉलेज फीस, या फिर आपके घर में कोई शादी है उसके लिए आपको लोन चाहिए, आप बैंक में गए आपका लोन रिजेक्ट हो गया, तो टेंशन फ्री हो जाइए। आपका भाई आपके लिए जो कंपनी लेकर आया है यहाँ पर आपको मिलने वाला है भाई पूरे 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस लोन लेना चाहते हैं, तो भाई आप यहाँ पर बिजनेस लोन भी ले सकते हैं। क्रेडिट कार्ड बनाना चाहते क्रेडिट कार्ड भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपने उस पर क्लिक करना है, प्ले स्टोर में जाना है। यहां पर आपको एक एप्लीकेशन दिखाई देगी जिसका नाम है इंस्टेंट कैश लोन, इजी ऑनलाइन लोन अप्लाई इंडिया। भाई जबरदस्त वाली ये कंपनी है, आपको यहां पर मिलेगा पर्सनल लोन, बिजनेस लोन और क्रेडिट कार्ड के लिए आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। लेटेस्ट एंड न्यू कंपनी, अभी तक आपने ना तो ये कंपनी देखी होगी और ना ही आपने इस कंपनी से लोन के लिए अप्लाई किया होगा। अगर मैं डिटेल में बात करूं उस कंपनी की, तो गाइस आप यहां पर देख सकते हैं आपको यहां पर मिलेगा होम लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड के लिए आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, और फ्री में अपना सिविल स्कोर भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। आपको यहां पर मिलेगा 2 से 10 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन, बिजनेस लोन भी आपको यहां पर मिल जाएगा। तो सिंपली आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करनी है, डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइज आपने इसको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद गाइज आप देख सकते हैं एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके आपको यहां पर दिखाई देने वाला है। ऑनलाइन लोन के लिए आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, आपको यहां पर पर्सनल लोन मिलेगा, होम लोन आपको यहां पर मिलेगा, बिजनेस लोन के लिए आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, व्हीकल लोन आप यहां पर ले सकते हैं, माइक्रो फाइनेंस लोन आप यहां पर ले सकते हैं, और एजुकेशन लोन आप यहां पर ले सकते हैं। लोन लेने के लिए गाइज सिंपली आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। गाइज आप यहां पर देख सकते हैं आपको यहां पर 3 टैब दिखाई दे रहे हैं, एक है होम लोन का, दूसरा है फ्री क्रेडिट रिपोर्ट का, और तीसरा है अप्लाई पर्सनल लोन का। आपको ऊपर यहां पर 10 से 12 टैब दिखाई दे रहे हैं जिसके अंदर आपको पर्सनल लोन मिलेगा, होम लोन आपको यहां पर मिलेगा, क्रेडिट कार्ड के लिए आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आप यहां पर ले सकते हैं, फ्री में अपना क्रेडिट रिपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है, डिपॉजिट आप यहां पर कर सकते हैं, गोल्ड लोन आप यहां पर ले सकते हैं, होम लोन ट्रांसफर कर सकते हैं, बिजनेस लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, पर्सनल लोन ट्रांसफर कर सकते हैं, डॉक्टर लोन आपको यहां पर मिल जाएगा, और गाइज आप यहां पर 2 व्हीलर लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको यहां पर सबसे पहले यह सिलेक्ट करना है कौन सा लोन आप यहां पर लेना चाहते हैं। लोन लेने से पहले मैं गाइज आपको यहां पर सजेस्ट करूंगा कि भाई आप यहां पर सबसे पहले अपना फ्री में सिबिल स्कोर चेक कर लीजिए। सिबिल स्कोर आपको यहां पर क्यों चेक करना गाइस, मैं आपको यहां पर बता दूं। चलिए मैं फ्री क्रेडिट रिपोर्ट पर क्लिक करता हूं, उसके बाद गाइज पेज आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं अगर आप फ्री में अपना सिबिल स्कोर चेक करते हैं, आपका सिबिल स्कोर अगर 700 से ऊपर आता है गाइज आपको यहां पर 100% लोन मिल जाएगा। ऊपर आप यहां पर देख सकते हैं जो सिबिल स्कोर होता है वो 300 से 900 के बीच होता है। अगर आपका सिबिल स्कोर 600 से नीचे है तो कोई भी कंपनी आपको लोन नहीं देगी, लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर 700 से ऊपर है तो भाई कोई भी कंपनी आपको लोन दे देगी। फ्री में अपना सिबिल स्कोर चेक करने के लिए आपको यहां पर क्या करना होगा, आपको यहां पर कुछ डिटेल फिल करनी है अपनी पैन कार्ड की और अपनी पर्सनल डिटेल। तो आपको यहां पर क्या करना है, नीचे देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहां पर आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है कि आप सैलरीड है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड, जो भी है। आपको यहां पर आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम डाल देना होगा, नाम आपको यहां पर वही डालना है जो आपके पैन कार्ड के अंदर हो, उसके बाद आपको यहां पर पैन कार्ड का नंबर डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पर डाल देना है, रेजिडेंस पिन कोड आपको यहां पर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, और मोबाइल नंबर आपको यहां पर डालना होगा। डालने के बाद आपने गेट फ्री रिपोर्ट पर आपने क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं यहां पर ये डिटेल फिल करके आपको दिखा देता हूं किस तरीके से आपने यहां पर जो है फ्री में अपना क्रेडिट रिपोर्ट चेक करना है। तो गाइज मैंने यहां पर अपनी डिटेल फिल कर दी, चलिए मैं गेट फ्री रिपोर्ट पर क्लिक करता हूं।
गाइज जैसे गेट फ्री रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा और वेट करने के बाद आपका जो सिबिल स्कोर है आपके सामने आ जाएगा। गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपना फ्री में अपना सिबिल स्कोर चेक कर लिया है। मेरा सिबिल स्कोर 737 है जो कि गुड है। हालांकि मेरा सिबिल स्कोर 750 से ऊपर होना चाहिए था क्योंकि अगर मैं इस ग्रीन सर्कल के अंदर आता तो गाइज मुझे 100% लोन मिल जाता, लेकिन 700 से ऊपर है, ठीक है, लोन मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। अब गाइज क्या होगा जब आप यहाँ पर अपना फ्री में सिबिल स्कोर चेक कर लेंगे उसके बाद गाइज आपको यहां पर ऑफर मिलेगा। यहां पर आप देख सकते हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, लैंडी कार्ड जो है यहां पर इनके लोएस्ट रेट चल रहे हैं अगर आप यहां पर लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो गाइस जब आप यहां पर अपना फ्री में सिबिल स्कोर चेक कर लेंगे, जब आपको यह पता चल जाएगी कि हमारा सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है तो आपने क्या करना है, लोन के लिए अप्लाई करना है। तो चलिए हम अपने वापस होम पेज पर चलते हैं। होम पेज पर आने के बाद गाइस अब आपको यहां पर क्या करना है, यह सिलेक्ट करना है कौन सा लोन आप यहां पर लेना चाहते हैं। आप यहां पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर होम लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। मैं यहां पर पर्सनल लोन पर अप्लाई करना चाहूंगा तो मैं इसलिए यहां पर पर्सनल लोन पर क्लिक करता हूं, अप्लाई पर्सनल लोन। और जैसे ही पर्सनल लोन पर क्लिक करते हैं गाइस नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब आपको यहां पर पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट रेट है उसकी डिटेल आपको यहां पर दिखाई देने वाली है। गाइस चलिए बात करते हैं यहां पर डिटेल की, अगर आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहां पर कितना इंटरेस्ट देना होगा लोन लेने के लिए। गाइस अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो गाइस आपका यहां पर इंटरेस्ट रेट स्टार्ट हो जाएगा 10.50% से लेकर। प्रोसेसिंग फीस आपकी यहां पर लेगी, जितना भी लोन आप यहां पर लेंगे उसका 2% है। यह लोन आपको मिलेगा 5 साल तक के लिए और जो यहां पर लोएस्ट EMI होगी वो होगी 2149 रुपए 5 साल के लिए। प्रीपेमेंट चार्जेस यहां पर नील या फिर 5% रहने वाले हैं। पेपरलेस अप्रूवल आपको यहां पर ये यह 3-4 कंपनी आपको और 3-4 बैंक आपको यहां पर देने वाले हैं, जैसे HDFC बैंक हो गया, टाटा कैपिटल हो गया, RBL बैंक हो गया, सिटी बैंक और ICICI बैंक है। अगर आपको इनसे अप्रूवल मिलता है तो आपको यहां पर जो है गाइज पेपरलेस अप्रूवल मिलेगा, आपको यहां पर इंस्टेंटली अप्रूवल मिलेगा केवल 2 से 3 मिनट के अंदर। और आप डायरेक्टली कॉल करके भी यहां पर जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं इंडोसिंध बैंक के अंदर। यहां पर आपको बेस्ट ऑफर मिलेगा 10.50% इंटरेस्ट पर, ठीक है, ठीक है। अब आपको यहां पर क्या करना होगा, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको यहां पर सबसे पहले अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है कि आप सैलरीड है, प्रोफेशनल है, बिजनेसमैन है, जो भी है। उसके बाद आपने यहां पर नेचर ऑफ बिजनेस सिलेक्ट करना है कि भाई आप न्यू लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर अगर आपके पास पहले से कोई लोन चल रहा है उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप इसको बिजनेसमैन कर देते हैं तो आपको यहां पर अलग डिटेल फिल करनी होगी और अगर आप इसको सैलरीड कर देते हैं तो आपको यहां पर अलग डिटेल फिल करनी होगी। अगर आप सैलरीड हैं तो आपको यहां पर नेचर ऑफ लोन बताना है, आपका पैन कार्ड में जो नाम है वो आपको यहां पर डालना है, मोबाइल नंबर, आपकी मंथली इनकम कितनी है, पैलेस ऑफ रेजिडेंस पिन कोड आपको यहां पर डाल देना है, कितना लोन आपको चाहिए वो डालना है और अपने एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन है तो आपको यहां पर अलग डिटेल फिल करनी होगी। बिजनेसमैन अगर आप है तो आपको यहां पर आपके पैन कार्ड में जो नाम है आपको यहां पर वो डालना है, मोबाइल नंबर, ठीक है, करंट रेजिडेंस पिन कोड डाल देना है, लोन अमाउंट कितना चाहिए आपको वो डाल देना है और गाइज आपको यहां पर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है या नहीं है वो आपको यहां पर बताना है, बैंक अकाउंट कौन सा है आपका, सेविंग या फिर करंट है वो आपको यहां पर बताना है, टाइप ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको यहां पर बता देना है और टाइप ऑफ बिजनेस आपको यहां पर बताने के बाद गेट क्यूटो पर आपने क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं ये डिटेल फिल करके बताता हूं आपको आगे क्या करना है। जैसे गेट क्यूटो पर क्लिक करते हैं गाइस नेक्स्ट पेज के अंदर आपको यहां पर एक OTP आपके पास आएगी, वो OTP आपको यहां पर डाल देनी है, आपका मोबाइल नंबर आपको यहां पर वेरीफाई करना होगा। जैसे आप OTP डालेंगे, OTP डालने के बाद गाइज नेक्स्ट पेज के अंदर आपको यहां पर ऑफर मिलेंगे। जितने भी आपको यहां पर ऑफर मिलेंगे गाइज उनमें से आप किसी एक बैंक या फिर किसी फाइनेंस कंपनी से लोन के लिए अप्लाई कर लेना है। सेम इसी तरीके से गाइज आपको जो है यहां पर होम लोन के लिए अप्लाई करना है, क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई करना है। अगर आप यहां पर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड के अप्लाई करने का भी सेम यही तरीका है। क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, क्रेडिट कार्ड पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर डिटेल दिखाई दे रही है क्रेडिट कार्ड की, जोन सा भी क्रेडिट कार्ड आप लेना चाहते हैं, ICICI बैंक की क्रेडिट कार्ड आपको यहां पर मिल जाएंगे, SBI के मिल जाएंगे, HDFC बैंक के मिल जाएंगे, एक्सिस बैंक के आपको यहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। सिंपली आपने इसी तरीके से यहां पर आपको फिल करना होगा। फिल करने के बाद नेक्स्ट पेज के अंदर आपको यहां पर ऑफर मिलेगा, कौन कौन से बैंक आपको यहां पर क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। जिस बैंक से भी आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहे उस बैंक से आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर लेना है। आपको यहां पर आपकी एप्लीकेशन फिल करनी है, चाहे आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करें, चाहे आप होम लोन के लिए अप्लाई करें, चाहे आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें। क्या होगा गाइस, यहां पर जो ये कंपनी है इनके साथ जो है बड़े बड़े बैंक और बड़े बड़ी फाइनेंस कंपनी के साथ टाई अप किए हुए इन्होंने, ये क्या करेंगे आपकी जो लोन एप्लीकेशन है, जो आपकी क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन है, ये सबमिट कर लेंगे। सबमिट करने के बाद सीधा उन बैंक को ट्रांसफर कर देंगे जिस बैंक से आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपके पास बैक कॉल आएगी उस बैंक की जिसमें आपने लोन के लिए अप्लाई किया है और भाई जब आपके पास बैक कॉल आएगी आपको जो है फिजिकली इनको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई जाते हैं गाइस आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। लोन अप्रूव होने के बाद 2 से 3 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट के अंदर आपका लोन
मिल जाएगा आपको यहाँ पर 100% लोन मिला। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं तो फिजिकली आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे बैंक को। यहाँ पर आपके साथ कोई फेक नहीं होने वाला, कोई फ्रॉड नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्रस्टेड कंपनी आप यहाँ पर लोन के लिए और क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप पहली बार ये वीडियो देखे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।